हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट चिकन कढ़ाई। वाइट चिकन कढ़ाई के लिए मेरे पास है चिकन, एक प्याली दही, एक प्याली क्रीम, काली मिर्च का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और इधर मेरे पास प्याज हैं और प्याज का भी मैं पेस्ट बना लूँगी, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन और हरी मिर्चें। अच्छा, इधर मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। पहले चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। चिकन को फ्राई करते हुए इसमें मैंने डाला है नमक। यहाँ हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब ऑयल में मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। इधर मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था अब वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और टमाटर का पेस्ट जो है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इनको अच्छी तरह से जो है ना वो फ्राई करूँगी। अब इसमें मैंने चिकन को भी शामिल कर दिया। चिकन को शामिल करने के बाद इसमें मैंने जो हमारे पास दही था उसको शामिल किया। अब मैंने इसमें मजीद जो नमक है वो शामिल किया है, और अब मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इसमें मैंने जो हाफ हरी मिर्चें हैं वो मैंने अभी इसमें शामिल किए हैं, और हाफ जो है मैं वो रेडी होने के बाद शामिल करूँगी। या मेरे पास है कनौर चिकन, तो वो भी मैंने इसमें हाफ जो है वो शामिल की है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो है पक रहा है। दही खुश्क होने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दी है क्रीम। लास्ट में मैंने इसमें काली मिर्चें और हरी मिर्चें, अदरक जो है वो एंड पे शामिल किया था, और उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाया। तो हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।